हेलो फ्रेंड्स, जे मीटर सीखने की सीरीज में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम जानेंगे कि जे मीटर में किस तरीके से पैरामीटराइजेशन किया जाता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जे मीटर से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल में पहले से कुछ वीडियो अपलोड की गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले जे मीटर को रन करेंगे और उसको ऑन करेंगे। तो आप देखेंगे जे मीटर हमारे बीच खुल चुका है, इसको मैक्सिमाइज करूँगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक थ्रेड ग्रुप ऐड करना होगा। इस थ्रेड ग्रुप का नाम हम लिख सकते हैं, मान लीजिए आप इसका नाम वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम आज पैरामीटराइजेशन कर रहे हैं तो मैं इसका नाम यहाँ पर पैरामीटराइजेशन लिख देता हूँ। इसके बाद आपको पता है कि जे मीटर में हम सबसे पहले थ्रेड ग्रुप ऐड करते हैं, उसके बाद हम सैम्पलर में जाकर एक HTTP रिक्वेस्ट को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट भी ऐड कर दी है, और HTTP रिक्वेस्ट का रिजल्ट देखने के लिए हमको कुछ लिसनर ऐड करने होते हैं, तो हम लिसनर को भी ऐड यहाँ पर कर लेंगे। तो ऐड में जाकर लिसनर में जाएं और सबसे पहला ही समय हम यहाँ पर लिसनर को ऐड करेंगे। बाकी लिसनर भी काम के हैं, आगे चलकर उन पर भी ज़रूर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल हम व्यू रिजल्ट्री को ऐड करेंगे। तो हमारा आधा काम यहाँ पर हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि पैरामीटराइजेशन होता क्या है और जे मीटर में पैरामीटराइजेशन का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास बहुत सी यहाँ पर जे मीटर में ऐसे केस आते हैं जब हमें एक साथ बहुत से यूजर्स को साइन इन कराना होता है, या मान लीजिए बहुत सारा डेटा अलग अलग यूजरों से सबमिट कराना होता है, तो उस समय पे हमें पैरामीटराइजेशन यूज़ करना होता है। अच्छा, हम इसको एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें फेसबुक में जे मीटर के जरिए 10 लोगों से लॉगिन करवाना है, तो हमें 10 लोगों की IDs में और पासवर्ड चाहिए होगा। तो 10 लोगों का यूज़र नेम और पासवर्ड हम जे मीटर के जरिए रिक्वेस्ट भेजेंगे और वह सबमिट हो जाएगी और वो लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक पैरामीटराइजेशन का सीधा सीधा एग्जांपल समझ सकते हैं। और अभी हम इस वीडियो में समझेंगे API के माध्यम से कि API के माध्यम से हम जे मीटर में पैरामीटराइजेशन किस तरीके से करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बताऊँगा। अगर आपने इससे पहला वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि हमने ओपन वेदर मैप एक वेबसाइट है, ये फ्री API सर्विसेज देती है, कुछ ही रिक्वेस्ट के लिए फ्री API सर्विस देती है। तो हम इस API के जो हमारी वेबसाइट है ओपन वेदर मैप, इसको खोलेंगे तो इसमें एक सेक्शन आता है API का, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय यहाँ पर लेगा ये। तो सबसे पहले आप देखेंगे करंट वेदर डेटा API डॉक पर यहाँ पर क्लिक करना है। API डॉक में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर कुछ हमें पैरामीटराइजेशन के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिए हैं, और API कॉल कैसे करनी उसका भी हमें यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें हमारा ऐसा होगा कि हम अलग अलग सिटी के नाम पैरामीटराइजेशन के जरिए भेजेंगे, और हम CSV फाइल का यूज यहाँ पर करेंगे पैरामीटराइजेशन के लिए। तो अलग अलग सिटी के नाम हम एक्सेल के माध्यम से भेजेंगे और जे मीटर हमें रिस्पॉन्स कर देगा। तो यह सब कैसे करना है इसलिए हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर API कॉल के दो एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं। पहला है सेम है यहाँ तक वेदर तक, उसके बाद सिटी नेम कॉमा कंट्री कोड। तो ये वाली API हम यूज़ नहीं करेंगे, हम फर्स्ट वाली API यूज़ करेंगे जिसमें खाली सिटी नेम का यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन एग्जाम्पल API कॉल करके आप यहाँ पर एक बार क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर आप लिंक देखिए। पहले लिंक में यहाँ पर रिक्वेस्ट क्या क्या जा रही है, Q=London, UK, यानी यहाँ पर सिटी और उसका कंट्री का कोड जा रहा है। और पीछे से आप ये देखेंगे App ID = यहाँ पर कुछ यहाँ पर ID इन्होंने दी हुई है। तो ये App ID क्या है, अगर आपने मेरा पहला वीडियो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है Lecture No. 4, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप Lecture No. 4 देखिए, उसमें मैंने बता रखा है कि App ID क्या है। ये App ID ओपन वेदर मैप में साइन इन करने के बाद हमको मिलती है, ये यूनिक होती है। आप अगर इसमें साइन इन करेंगे तो आपके App ID मिलेगी, इसके साथ ही आप API फ्री में यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा API में एरर आएगा, जे मीटर में एरर आएगा। तो मेरे पास मेरी App ID है, आप भी ओपन वेदर मैप में यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने बाद आपको यहाँ पर अपनी API की मिल जाती है। साइन इन करना बहुत सरल है, आप वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए रिक्वेस्ट में हमें क्या क्या भेजना होता है, एक यहाँ पर सिटी का नेम है और यहाँ पर एक App ID है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही
जो इन्होंने यहाँ पर एक API कॉल का ये लिंक दिया है, मैंने इसको कॉपी किया है और मैं उस कॉपी लिंक के जरिए आपको समझाऊंगा एक एक करके कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। तो एक सेकंड, मैं उस फाइल को खोलूँगा। ये मेरी फाइल है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वो पूरा हमारा एड्रेस है जिसके जरिए मैं जेमीटर से पैरामीटराइजेशन करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे पूरा बड़ा सा एड्रेस है। इसको जेमीटर में हम कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले हमें ये सीखना है। api.openweathermap.org ये हमारा यहाँ तक सर्वर नेम है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। डेटा 2.5 वेदर, ये सब हमारा क्या है, पाथ है। इतना हमारा क्या है यहाँ तक, पाथ है। और ये दोनों हमारे क्या है, q इज इक्वल टू सिटी और app id जो मैंने लिखा है, ये हमारे पैरामीटराइजेशन के लिए वेरिएबल्स हैं। q इज इक्वल टू जो मैंने माना है, ये हमारे क्या है, वेरिएबल। अगर आपको नहीं पता है कि जेमीटर में वेरिएबल कैसे बनाते हैं तो मैं बता देता हूँ। जेमीटर में वेरिएबल बनाने के लिए हमें डॉलर का साइन लिखना होता है और कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने होते हैं। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर पारस दे दिया, तो ये आपका कुछ भी हो सकता है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल बनाने का तरीका है वो ऐसा है। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है वो क्या है, क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आप ex लिख देंगे तो ये क्यू वैल्यू जो होगी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ex में। तो दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, जैसे मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँगा आपको, तो हमें एक fid भी भेजनी है। fid इज इक्वल टू, फिर मैंने यहाँ पर देखिए एक fid के लिए क्या बना रखा है, वेरिएबल। क्योंकि हम वेरिएबल के जरिए अलग अलग वैल्यू पैरामीटराइज यानी सेंड कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ किया हुआ है। तो इसका नाम आप यहाँ पर fid लिखा है, तो यहाँ पर हमने इसका नाम fid ही दे दिया है। तो अब मुझे ज़्यादा टाइम ना गवा के csv फाइल बनानी होगी, तो न्यू में जाएंगे आप, ये फोल्डर बन गया, हम न्यू में जाएंगे, एक्सेल फाइल में यहाँ पर क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारी सीट आ गई है। तो अब देखेंगे आपकी यहीं पर समझने वाली चीज़ है यहाँ पर, और इसी को हमें ध्यान से समझना है कि कैसे होना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पाथ के बाद क्या आते हैं, पैरामीटर। मेरी पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि पिछली वीडियो में ही मैंने सब बता रखा है इसके बारे में। तो क्यू इज इक्वल टू सिटी, तो क्यू तो हमारा जे मीटर समझेगा, क्योंकि ये हमारा लिंक में पहले से ही ऐड है, इसको हम नहीं बदल सकते, इसको हमें क्यू ही रखना पड़ेगा। लेकिन इसको हम बदल सकते हैं, जैसे सिटी है तो हम इसको सिटी नेम भी कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले खुद से ही बना रखे हैं, क्योंकि अगर आप लिंक में देखेंगे तो लिंक में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, वहाँ कुछ आपको अलग दिखेगा, ये आपको खुद सेट करना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेरिएबल कैसे बनता है पैरामीटराइजेशन करने के लिए। तो डॉलर साइन है यहाँ पर, डॉलर के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे हमारा लेगा। तो इधर मैं जो पहला कॉलम जो है और उसका जो पहली सीट है उसमें मैं क्या लिखूँगा, क्यू है, तो यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा वो मुझे वहाँ वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ city_name। तो ये मेरी क्या हो गई, सिटी का नेम हो गया है। और दूसरा वेरिएबल को क्या मानना है, तो पहला वेरिएबल ऐसे और दूसरा वाला कॉलम बी में, तो दूसरा है उसका app id। तो मैं यहाँ पे app id ही लिख देता हूँ उसको, जिससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये app id है, ये सबकी अलग होती है, मेरी भी अलग है, आपकी भी ये अलग होगी। तो सिटी का नेम हम एक एक करके देते हैं, मान लीजिए पहला सिटी का नेम हम दे देंगे दिल्ली, दूसरा हम दे देते हैं बेंगलोर, तीसरा हम दे देते हैं चेन्नई, पांचवा हम दे देंगे यहाँ पर चौथा, माफ कीजिए, नैनीताल। और भी आप इसमें अपने अपनी सिटी का नाम दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको डेटा मिल रहा है या नहीं। तो ये जो दूसरा हमारा है, तो हमें हर एक रिक्वेस्ट के साथ app id भेजनी पड़ेगी, वरना क्या होगा, आप लिंक में देख रहे हैं app id वो मांग रहा है हर बार लिंक में, अगर ये app id नहीं गई तो आपकी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। तो ये app id मेरी जो है ये ऊपर है, आपको साइन इन करना पड़ेगा तब आपको app id मिलेगी, वरना आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। तो दूसरा पैरामीटर हमारा कौन सा है, वेरिएबल app id वाला। तो हम app id सबकी सेम है, तो इसलिए इसको मैं बार बार यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और संभाल देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा, तो सेव एस करेंगे इसको और इसका नाम लिख देते हैं वेदर API
और इसको सेव कैसे करना है, सी एस बी फाइल में। तो सी एस बी फाइल आप ढूंढ लेंगे, ये ऊपर वाला है कॉमा डेलिमिटेड वाला, इसको मैंने सेव कर लिया है और मैं इसको अपने डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ वेदर एपीआई को। तो मैंने इसको सेव कर लिया, तो मेरी यहाँ पर एक्सेल फाइल जो है वो सी एस बी फाइल बन चुकी है। अब इसको जीमीटर में कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। बनी कैसे है, पहले हमें वेरिएबल के नेम लिखने हैं जो हमने मानने हैं लिंक के जरिए जो भेजने हैं, और उसके बाद हमें वेरिएबल की वैल्यू लिख लेनी है। जीमीटर इसको अपने आप समझ लेगा। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, जीमीटर में हम आएंगे दोबारा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना जो जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको ऐड करना होगा। जो पहला हमारा सर्वर नेम है वो ये है। मैं होप आशा करता हूँ कि आपको ये सब अब ऐड करना आता ही होगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ ऐड किया हुआ है। ये मेरा यहाँ पर पाथ हो गया है और ये मैंने इसे ऐसे पेस्ट किया, और ये दोनों भी मुझे पाथ के साथ ही भेजने हैं। अब ये क्यों भेजने हैं मुझे पाथ के साथ, क्योंकि मैं अलग अलग रिक्वेस्ट भेजूंगा और इनका ही यूज़ करके मैं अलग अलग रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो जो क्यू था, जो पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर जाएंगे तो ये देखेंगे क्यू इज इक्वल टू सिटी नेम था ना, क्यू इज इक्वल टू सिटी नेम। तो ये तो इन्होंने वेरिएबल बना रखा है, डॉलर का साइन भले इन्होंने नहीं लगा के दिखाया है, क्यू यानी ये क्यू तो हमारा डिफ़ॉल्ट रहना है, लेकिन हम एक्सेल में इसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक्सेल में इसका नाम सिटी नेम ही कर रखा है। और अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में जब आप पूरा रिक्वेस्ट देख रहे हैं तो उसमें ऐप आईडी भी जा रही है, तो इसलिए हमने एक वेरिएबल किसके लिए बना रखा है, ऐप आईडी के लिए, और ऐप आईडी सबकी जेन्युइन होती है तो उसके लिए हमने अपनी आईडी यहाँ पर पेस्ट कर दी है। तो देखिए आप, ये तो हमारी सर्वर हो गया जहाँ हमें अपना रिक्वेस्ट करनी है, और ये पाथ हो गया। तो पाथ में हमें क्या भेजना है, क्यू यानी सिटी का नेम, ऐप आईडी यानी हमारी जो ऐप आईडी है। तो अब एक्सेल खोलेंगे तो एक्सेल में हमने क्या लिखा था, यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमने एक्सेल में दी थी सिटी अंडरस्कोर नेम, हमने ये दिया था, और ऐप आईडी को हमने ऐप आईडी रहने दिया था। गलती से भी आप इसको चेंज नहीं करेंगे, जब भी करेंगे आप इसको चेंज करेंगे और एक्सेल में भी उसको एज इट इज़ चेंज करेंगे। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, HTTP रिक्वेस्ट में दोबारा जाना है, ऐड करना है, और कन्फिग एलिमेंट में जाकर CSV डेटा सेट कन्फिग में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप देखेंगे एक अलग से हमारे यहाँ पर फंक्शनलिटी ऐड हो गई है, और यहाँ पर हम इसका नेम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने सिटी नेम्स इसका नाम दे दिया, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। फाइल नेम यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ही मेन काम होना है, हमें उस फाइल को ब्राउज करके यहाँ पर अटैच कर देना है, जिससे ये जीमीटर हमारी वहाँ से रिक्वेस्ट ले लेगा। तो मैंने डेस्कटॉप में ऐड किया था और उसका नाम मैंने दिखा था वेदर API, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया है। वेरिएबल का नेम यहाँ पर देते हैं वो अलग ट्रिक है, अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर इसको ऐड कर देना है ब्राउज। ऐसी अलग और ट्रिक है जहाँ पर आप वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, और नोटपैड TXT फाइल के जरिए भी आप पैरामीटर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में डेटा काफ़ी अच्छी तरीके से हमें दिखता है, तो इसलिए हम CSV फाइल का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। तो इसको आप यहाँ पर अभी छेड़ देंगे, और ये जो इग्नोर फर्स्ट लाइन ओनली यूज इफ वेरिएबल नेम इज नॉन एम्प्टी, तो हमने इसको फॉल्स किया है, यानी पहला नाम पहली लाइन क्या कर देनी है, इग्नोर, अगर क्या ना हो, यूज़ कब करनी है, अगर इफ वेरिएबल नेम इज नॉन एम्प्टी, अगर वेरिएबल नेम हमने नहीं दिया तो उसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो, लेकिन हमने वेरिएबल नेम दिया है ना तो फॉल्स रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, अलाउ क्वोटेड डेटा, यानी क्वोटेड मतलब मान लीजिए कई बार क्वोटेड में होता है कॉमा लगाई हुई वैल्यू होती है, रिसाइकिल ऑन एंड ऑफ द फाइल ट्रू, स्टॉप थ्रेड ऑन एंड ऑफ द फाइल, हमने इसको क्या किया है, स्टॉप हो जाए हमारा थ्रेड जब भी हमारी एंड ऑफ फाइल, यानी जो हमारा डेटा सेट हमने किया है जैसे 5 किया है, तो उसके बाद क्या हो जाए फाइल, क्या ये फाइल हमारी जो डेटा आना हो बंद हो जाना चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पर फॉल्स किया। इन सेटिंग्स को आप एज इट इज़ रहने दीजिए। अगर आपको इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो आप जीमीटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको इनके बारे में विस्तार में जानकारी मिल जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है, ये हमारा सब कुछ सेट हो गया, अब एक बार हम इसको रन करके देखेंगे। व्यू रिजल्ट में जाएंगे और पैरामीटराइजेशन में देखेंगे, अभी हमने खाली 1 यूज़र ले रखा है, यानी अभी ये क्या करेगा, एक्सेल फाइल से केवल पहली वैल्यू लेगा, देखते हैं क्या करता है। रन किया इसको, इसको सेव कर लीजिए वरना बार बार पॉपअप आएगा, तो हम इसको कर देते हैं वेदर, इसको मैंने सेव कर दिया, अब यहाँ पर इसको रन करेगा। हमारी रिक्वेस्ट देखिए पास हो गई है, और इसने यहाँ पर क्या दे दिया, रिस्पॉन्स को 200, रिस्पॉन्स को 200 का मतलब हमारी रिक्वेस्ट पास हो गई है। अब डेटा देखिए क्या आ रहा है, डेटा भी हमें आने में लग गया। देखिए इस डेटा को हम जेसन में कर लेंगे, क्योंकि उस वेबसाइट में जेसन
के जरिए भी डेटा मिलता है। अभी ये TXT में है, कैसे बदलना है यहाँ से जेसन पाथ में गए तो देखिए इसने हमें रिजल्ट दे दिया है और वो सिटी कौन सी है, दिल्ली। हमने पहली सिटी कौन सी वहाँ पर एक्सेल में कौन सी ऐड की थी, दिल्ली। और उसके बारे में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो जो यहाँ पर अवेलेबल है उसने हमें पूरा यहाँ पर दे दिया है। सिटी की ID, कंट्री, सनराइज, सनसेट, सब कुछ यहाँ पर इसने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो जेमीटर का फ़ायदा हमने यहाँ पर देख लिया है। अब पैरामीटराइजेशन हमने मान लीजिए वहाँ पर क्या करे थे, 4 लिखे थे ना, तो हम यहाँ पर 4 कर देंगे। इसको 4 करेंगे तो अब मुझे सारी जो मैंने सिटी ऐड करी थी उन सबके क्या होंगे, डेटा मिल जाएंगे मुझे। यहाँ पर अगर मैं CSV फाइल नहीं करता तो मुझे इसके क्या करने होते, रिक्वेस्ट में जाकर यहाँ पर मुझे पैरामीटराइजेशन करना पड़ता, जो काफ़ी क्या होता, लेंदी होता। लेकिन CSV फाइल के जरिए हम डेटा मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पैरामीटराइजेशन हमने किसके जरिए किया, CSV फाइल के जरिए। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि इसने मेरी 4 की 4 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और पास हो गई है। देखिए सबसे लास्ट में नैनीताल ऐड किया था, तो देखिए नेम नैनीताल आया है और नैनीताल के बारे में इसने हमें पूरा टेम्परेचर जो है वो दे दिया है और वहाँ जो ह्यूमिडिटी है वो दे दी है, क्लाउड क्या है, सब कुछ। अब जब आप प्रैक्टिकल इसको करेंगे तो आप इसको विस्तार से पूरा पढ़ सकते हैं। ये देखिए दूसरी सिटी मैंने दी थी लास्ट वन, जो लास्ट से पहले थी चेन्नई थी, चेन्नई से पहले मैंने बेंगलोर दी थी, तो देखिए बेंगलोर भी यहाँ पर शो कर रहा है, यानी हमारी रिक्वेस्ट जो है पास हो गई है। और अगर हमने मान लीजिए, अगर मैं एक्सेल फाइल यहाँ पर खोलता हूँ, अगर मेरी यह है वेदर API वाली, अगर मान लीजिए मैं बेंगलोर वाले में FID नहीं सेंड करता हूँ, मैंने ये डिलीट कर दी, देखिए अब मैक्सिमाइज करता हूँ, मैंने यहाँ पर देखिए डिलीट कर दी और मैं इसको सेव कर देता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है, अभी हमारी रिक्वेस्ट लेगा या नहीं। मैंने इसको सेव कर दिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ और एक बार हम यहाँ पर सब कुछ रिजल्ट क्लियर करके इसे दोबारा से रन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसने बेंगलोर वाली रिक्वेस्ट क्या कर दी, कैंसिल। क्यों करी, इनवैलिड API की, प्लीज सी HTTP। इसने क्या कहा, API की जो हमारी क्या है वो इनवैलिड है, क्योंकि API की के जरिए हमारा क्या जा रहा था, FID भी जा रही थी, लेकिन हमने उस FID को क्या कर दिया, डिलीट। तो ध्यान रखें जब भी आप ओपन वेदर API जो हमारी वेबसाइट है उनकी API यूज़ करेंगे तो उनके साथ आप FID सबसे पहले अपनी जनरेट करेंगे अपना अकाउंट बनाकर और उसको CSV फाइल में भी लिखेंगे, तभी जाकर आपकी क्या होगी यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। तो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे वाली वीडियो में हम जेमीटर के एसर्शन के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी एक इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। जेमीटर के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो अभी तक डाल दी हैं, 4 वीडियो डाल दी हैं, आप उनको सबसे पहले देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप जेमीटर सीखिए तो आपको काफ़ी आसानी होगी। ये वीडियो पूरी फ्री है, जेमीटर की हिंदी में वीडियो पूरे यूट्यूब में नहीं है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिन दोस्तों को जेमीटर सीखना उन लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।